देखिएगा दोस्तों, सीधे शिव वाले घाट को पार करके आ चुके हैं, लेकिन भीड़ देख रहे हो भाई बोलो की काफी ज्यादा भीड़ मान सकते हो। एक तरफ से बाकी हर की पौड़ी पे कितनी ज्यादा भीड़ है, अभी आप लोगों को ले चलेंगे अभी हर की पौड़ी की ओर। ठीक है, आप लोग वेट कर रहे होंगे ना हर की पौड़ी के दर्शन कब होते हैं। भाई चलते हैं अभी सीधे हर की पौड़ी वाले, स्तर कितना ज्यादा है देख रहे हो। और सामने से मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश आ सकती है, बट आ जाए ना भाई काफी अच्छा रहेगा अगर बारिश आ गई भाई, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है भाई काफी ज्यादा, अगर बारिश आ गई तो मजा ही आ जाएगा भाई पूरी तरीके से। बाकी आप दोस्तों एक बार आप सभी को फिर से हर हर महादेव। आज 29 जुलाई का दिन है और फिर से हरिद्वार से मैं आप लोगों को माँ गंगा जी के भी दर्शन कराने वाला हूँ और साथ में कांवड़ी की भी भीड़ दिखाने वाला हूँ। अभी मैं हूँ हाथी वाले पुल पे और यहाँ से आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ माँ गंगा जी के, तो आप लोग यहाँ से गंगा जी के भी दर्शन कर सकते हो और साथ में भोलू की भीड़ भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी हम यहाँ से चलेंगे हर की पौड़ी की और वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे आप लोगों को। देखते हैं हर की पौड़ी पे गंगा जी का जलस्तर कितना ज़्यादा है। ठीक है, चलेंगे आपको हर की पौड़ी की ओर भी ले चलेंगे धीरे से, इस हाथी वाले पुल को पार करके शिव वाले घाट को पार करके सीधे हम चलेंगे आगे शिव वाले सेतु की तरफ, वहाँ से दर्शन कराएंगे आप लोगों को और भीड़ की भी दर्शन हम आप लोगों को कराएंगे, कांवड़े के दर्शन कराएंगे पूरी तरीके से। ये देखिएगा ये रहे हाथी वाले पुल के नज़ारे, देख रहे हो भाई पूरी तरीके से देख सकते हो कांवड़े की भीड़ कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और मौसम की बात की जाए ना भाई खतरनाक गर्मी पड़ रही है दोस्तों, आज पूरी तरीके से गर्मी बहुत ही भयंकर पड़ रही है एक तरफ से। चलो ले चलते हैं आपको हर की पौड़ी की ओर, बाकी वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं दर्शन कर। ये रहा सामने हाथी वाला पुल, उसको पार करके आ चुके हैं सीधे घाट के किनारे और गंगा जी का जल ना आज काफ़ी ज़्यादा लग रहा है शिव वाले घाट। चलते हैं सीधे सामने की ओर, ठीक है सामने दर्शन कराएंगे क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं यहाँ से धीरे से, चलो तो क्या करो चाचा, हम लोग दर्शन भी करते जाएगा साथ में मिलकर, वीडियो को शेयर जरूर करेगा क्योंकि हरिद्वार आने वाले लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है चलो भाई सीधे ले चलेंगे आपको सीधे हर की पौड़ी की और वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे दर्शन कराएंगे। वाह भाई चलो जी बोल शंकर भगवान की जय। ये देखिए नज़ारे देख रहे हो हरिद्वार के काफ़ी ज़्यादा अबे अच्छे नज़ारे एक तरफ से बोल सकते हो गर्मी से बचने के लिए। ये देखो यहाँ पे लोगों ने किस तरह से छतरी वगैरह लगा रखी है और यहाँ पे इस घाट पे ना आपको काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह भी मिल जाएगा जो आप लोग खरीद सकते हो अपने लिए। देख रहे हो ये गर्म पट्टी हो गया, चूड़ी माला जो भी चश्मे वगैरह, शिव वाले घाट पे ना आपको काफ़ी ज़्यादा सामान देखने को मिलेगा। ठीक है क्योंकि कांवड़ भी शुरू हो चुका है, कांवड़े के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ लग जाएगा। कलश भी आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे देख सकते हो, कलश वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे घाट की तरफ, आप लोग यहाँ से कलश वगैरह भी खरीद सकते हो। मतलब इस घाट पे ना एक तो यह है कि छाव काफ़ी रहती है क्योंकि इस घाट पे ना काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह भी हैं, तो इसके नीचे ना काफ़ी श्रद्धालु आराम करते हैं। रोहित यहाँ पे पेड़ वगैरह ना काफ़ी बने होते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है। वाह देख रहे हो यहाँ पे कितना ही सुकून शांति है भाई इस पेड़ के नीचे। वाह भाई घाट पे पहुँचेगा और भीड़ देख रहे हो शिव वाले घाट पे बोलेगी। वाह भाई वाह ये देखिएगा पूरी तरीके से जल का भाव भी काफ़ी ज़्यादा है और ये देखिएगा बोलेगी भीड़ देख रहे हो पूरी तरीके से। चलते हैं सीधे शिव वाले घाट को पार करके सामने वाले घाट के वहाँ के दर्शन कराते हैं नज़ारा भी। जैसे गंगा जी का जो भाव है ना भाई काफ़ी ज़्यादा रहता है इस घाट पे पूरी तरीके से आप लोग देख ही सकते हो, और थोड़ा संभल कर आप लोग घाट के किनारे स्नान करेगा। ठीक है क्योंकि जल का जो भाव है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है एक तरफ से। ठीक है थोड़ा संभल कर आप लोग स्नान करेगा और गर्मी मुँह से पसीने से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी भयंकर पड़ रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हालत ख़राब हो रही है एक तरफ से। ठीक है चलो चलते हैं बाकी घाट के वहाँ के दर्शन करेंगे। ये देखिएगा आज जल का भाव देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा है, ये देखो पूरी तरीके से गंगा जी का जो भाव है ना काफ़ी ज़्यादा है आप लोग देख सकते हो घाट। ये देखिएगा दोस्तों सीधे शिव वाले घाट को पार करके आ चुके हैं, लेकिन भीड़ देख रहे हो भाई बोलो की काफ़ी ज़्यादा भीड़ मान सकते हो एक तरफ से, बाकी हर की पौड़ी पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, अभी आप लोगों को ले चलेंगे अभी हर की पौड़ी की ओर। ठीक है आप लोग वेट कर रहे होंगे ना हर की पौड़ी के दर्शन कब होते हैं। भाई चलते हैं अभी सीधे हर की पौड़ी पे, सोचा क्यों नहीं एक बार आपको यहाँ से दर्शन करा दिया जाए पूरी तरीके से। ये देखिएगा ये रहे शिव वाले घाट के नज़ारे और गंगा जी का जो जल है ना भाई काफ़ी ज़्यादा भाव है जल में आप लोग देख ही सकते हो पूरी तरीके से। ये देख रहे हो ये देखिए कितना ज़्यादा गंगा जी का जल स्तर चल रहा है घाट पे, आप लोग देख ही सकते हो पूरी तरीके। ये देखिए देख रहे हो कितना ज़्यादा भाव है भाई घाट के किनारे भी इतना काफ़ी तेज़ गंगा जी का जल है ना भाई, अपने आपको संभालना मुश्किल हो रहा है किनारे भी, और रेलिंग के पार आके बिल्कुल भी आप लोग स्नान नहीं करिएगा। ठीक है इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चलो भाई ले चलेंगे आपको हर की पौड़ी की ओर, यहाँ से पहले एक बार आप लोग मनसा देवी मंदिर के भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जय माँ मनसा देवी। ये देखिए चलो भाई लोग चलते सीधे हर की पौड़ी की ओर भी। देखिएगा दोस्तों ये रहा सामने सुभाष घाट जो आपको दिखाई दे रहा ना,
ये सुभाष घाट है देख रहे हो, और ये सुभाष घाट के नज़ारे आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और श्रद्धालु की ना संख्या वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है भाई, एक तरफ से देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिएगा देख रहे हो, और ये रही भागीरथी सेतु, जो सामने बाकी रहा नाई घाट, और नाई घाट के भी आप लोगों को नज़ारे दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। चलो भाई ले चलते हैं बाकी आपको सामने वाले घाट उसे। ये देखिए देख सकते हो पूरी तरीके से कावड़े की भीड़, देखो भाई वाह भाई वाह कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, ये देख रहे हो पूरी तरीके से। और सामने धनुष वाले पुल के भी आप लोग नज़ारे देख सकते हो, ये देखो। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके सीधे नाई घाट पे, और ये रहे नाई घाट के नज़ारे और गंगा जी का जो जल का भाव है भाई, काफ़ी ज़्यादा आज गंगा जी का जल का भाव है पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हो। ये देखिए जल का भाव इतना तेज़ है, थोड़ा संभल कर आप लोग स्नान करेगा, घाट के किनारे पे स्नान करें ठीक है, बीच में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाव काफ़ी तेज़ है, आप अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। ये देखिए और घाट पे गंदगी देख सको भाई, ये देखो हरिद्वार के घाट पे गंदगी देख रहे हो पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हो। पन्नी पॉलिथीन का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है घाट के किनारे आप लोग देख सकते हो। ये देखिए बड़ी वाली धारे की तरफ ला चुके हैं अभी आप लोगों को, लेकिन गंगा जी का जलस्तर कितना ज़्यादा है देख रहे हो, और सामने से मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश आ सकती है, बट आ जाए ना भाई काफ़ी अच्छा रहेगा अगर बारिश आ गई भाई, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है भाई काफ़ी ज़्यादा, अगर बारिश आ गई तो मज़ा ही आ जाएगा भाई पूरी तरीके से। बाकी आप लोग देख ही सकते हो भीड़ यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालु की, पूरी तरीके से घाट पर देख सकते हो। ये देखिए घेरा नाई वाला घाट, और अभी धीरे धीरे अब आज रात से भीड़ बढ़ेगी, अब जैसे जैसे डाक कवर वाले बढ़ेंगे ना उसी तरह से जय जय। देख लो भाई कावड़े की भीड़ पूरी तरीके से देख सकते हो हरिद्वार में, बस तीन चार दिन का मेला और है उसके बाद ना भाई घाट मतलब उतने तरीके से भीड़ नहीं रहेगी कि जितने रहती है, अभी पूरी तरीके से कावड़े की भीड़ रह रही है ना, तो उसी के चलते ज़्यादा भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ये देख लो पूरी तरीके से देख सकते, ये देखेगा ना ले चलते हैं आपको बाकी बाहर की बॉडी की, और वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं दर्शन करने। तो अभी पहुँच चुके सीधे शिव घाट के, अभी लेकिन यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से कावड़े की भीड़ों की भीड़ दुख रही है पूरी तरीके से। ये रहे शिव घाट के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से गंगा जी में डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं, तो मैं देख सकते हो भाई घाट पे गंदगी भाई ना काफ़ी ज़्यादा है भाई, देख लो पूरी तरीके से थोड़ा घाट पे ना इस तरह की गंदगी नहीं फैलाए आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर कावड़ लेने के लिए आ रहे हो तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं ठीक है। चलो ये देखिएगा भाई पूरी तरीके से कावड़ों की भीड़ देख सकते हो घाट पे, सभी भोले अपनी अपनी कावड़ को रेडी कर रहे हैं। ये देखिए अभी ले चलते हैं आपको हर की पौड़ी की ओर ठीक है, हर की पौड़ी के नज़ारे दिखाते हैं वहाँ के दर्शन कर रहे हैं। पूरी तरीके से आप लोग देखिएगा हर की पौड़ी के नज़ारे दिखाते हैं, गंगा जी का जो जल है ना भाई हर की पौड़ी पे कितना है वो दिखाएंगे आप लोगों, लेकिन भीड़ देखो ये देख रहे हो भाई घाट के किनारे आप लोग देख सकते हो किस तरह से पन्नी पॉलिथीन को उपयोग करके इसी तरह से छोड़ते हैं, इस तरह की गलती नहीं है। अभी हम पहुँच चुके सीधे ब्रह्मकुंड घाट पे, लेकिन आप लोग देख सकते हो ये रहे ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे, और ब्रह्मकुंड घाट पे देख रहे हो भाई भोले की भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, और सामने भी आपको भोले स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे घाट पे देख सकते हो पूरी तरीके से। चलिए चलेंगे आपको यहाँ से बाकी आप बाकी और घाट की ओर ठीक है, वहाँ के दर्शन कराते हैं नज़ारे दिखाते हैं। देखिए देखिए ये देखिए चलो बाकी चलते हैं अभी सामने घाट की ओर ठीक है, वहाँ के दर्शन कराते हैं दिखाते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। चलो ये देखिए नज़ारे देख रहे हो पूरी तरीके से हरिद्वार के नज़ारे देखे चलो भाई चलते हैं सीधे आगे सामने वाले घाटों के, वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं ठीक है आपको बाकी दर्शन कराएंगे। बस गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है ना भाई सच में यार, अभी ज़्यादा पड़ रही है भाई। ये देखिएगा अभी पहुँच चुके हैं भाई घंटाघर वाले घाट पे, और ये रहे घंटाघर वाले घाट, ये देखिएगा यहाँ पे कावड़ी की भीड़ देख सकते हो पूरी तरीके से किस तरह से यहाँ पे जंप लगा लगा के कावड़ी भोले तुम्हें स्नान करते हुए देखेंगे, बार बार बोलता हूँ भाई यहाँ से जंप लगा के स्नान नहीं करेगा आप लोग पूरी तरीके से। ये देखिएगा नज़ारे देख सकते हो यहाँ से भोले की भीड़ देख लो पूरी तरीके से देख सकते हो, और सामने कावड़ भाई एक से बढ़कर एक हो रही है। ये रहे मालवी घाट के नज़ारे, लेकिन यहाँ पे देखो
किस तरह से स्नान कर रहे हैं। देख लो भाई कावड़ी भोले को आप लोग देख सकते हो किस तरह से गंगा जी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे होंगे। तुम्हें देख रहे हो, ये देखो किस तरह से चैन के सारे लटक के ये लोग स्नान कर रहे हैं। इस तरह की गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। चलो भाई चलते यहाँ से सीधे संजय पुल पे, वहाँ से नज़ारे दिखाते हैं, दर्शन करा दोस्तों। घंटाघर के नज़ारे देख सकते हो, गंगा जी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है। संभल कर आप लोग स्नान करेगा, बाकी आप लोग भीड़ तो देख ही सकते हो। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई कावड़ी की, पूरी तरीके से देख सकते हो। ये देखो घाट को बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही है पाँव रखने की। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका सीधे संजय पुल पे, और संजय पुल से नज़ारे देख रहा भाई, घाट देखो भाई पूरी तरीके से फुल हो चुका है एक तरफ से, आप लोग देख सकते हो। ये देखिएगा पूरी तरीके से कावड़ी की भीड़ देख रहे हो, घाट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ मची हुई है, आप लोग देख ही सकते हैं। मिलते रहेंगे हरिद्वार के ऐसी नई नई वीडियो और नए नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव, हर हर गंगा।